हाँ भैया जरूर बुला लियो, लेकिन बुलाने पर आ जाना। हाँ नहीं जरूर भैया, लेकिन बुला। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माला जी। मुझे लगता है ये बदतमीज यहाँ बीच बीच में आता जाता रहेगा, इसलिए हम और तुम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। भैया नंबर। अरे नहीं यार अभी नंबर तो नहीं आया, बस तुम्हारा ही नंबर आने वाला है इस अगली बार। अरे ऐसी कुछ बात नहीं है, जैसे तुम्हारा नंबर आएगा तैसे बुलाएंगे। हाँ ठीक है चल फिर। माला जी आइए चलते हैं उस झील के किनारे, वहीं पर प्यार भरी बातें करेगी। आइए चलो। गोपी कहो माला। सुनो हो तेरे प्यार में मैं मर जावा। क्या क्या हो तेरे नाम में दिल कर जावा। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। पापा किया चोरा तो करी के निभाना, पापा किया चोरा तो करी के निभाना। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना आरटीओ ऑफिस है। अरे यार आरटीओ ऑफिस। हाँ भैया आरटीओ ऑफिस तुम्हें जाना है, लाइसेंस बनवाओ का है। अच्छा लाइसेंस बनवाना है, ऐसा करो तुम ये रास्ता पकड़ के और ये से ऐसे घूम के से पीछे से वहाँ चले जाओ। नहीं भैया वो जो ना राम मौदा है विश्वकर्मा पान वाले। हाँ हाँ वो कहीं की जाओ हुआ बनना तो है लाइसेंस। अरे उन्होंने तुझे गलत बता दिया यार। हाँ। तुम किसी का टाइम वेस्ट मत करो यार। जवान तो बहुत गलत काम कर रहे हो यार, क्यों बेचारे काम गड़बड़ कर रहे हो। भैया तू अपन काम करो तू। ठीक है ठीक है ठीक है, कब जा बनवा लिए भाई अब। बन जाओ दुल्हन में हाय हाय हाय, गोपी कहाँ है आज। अरे बेटा कहाँ गया था। माँ मैं शिकार करने गया था। माँ जंगल की तरफ गया था। हाँ माँ मैं जंगल की तरफ शिकार करने गया था। ये लड़की कौन है। माँ ये लड़की बहादुर सिंह की बेटी है, इसका नाम माला है। बहादुर सिंह की बेटी है। हाँ माँ जी ये तो दुश्मन की बेटी है, इसी के पिता ने तेरे पिता और चाचा का खून किया। बेटा इसको क्यों साथ लेके आया तू। हाँ बाजी दुश्मन की बेटी तो ये जरूर है, लेकिन इसने हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। माँ क्या एहसान किया है। इसके पिताजी ने
हमारे चाचा जी को जेल में बंद कर रखा था और इस लड़की ने हमारे चाचा जी को जेल से आजाद किया है माँ। अभी हमारे चाचा जी जिंदा है। चाचा तुम्हारे जिंदा है? हाँ माँ जी। माला इधर आओ। माँ आज से ये यही पे रहेगी। माँ यहाँ क्या करेगी? माँ यहाँ रह के तुम्हारी सेवा करेगी। अरे माए पतुआ पाए भंडारी समझ रहा है भैया। छावनी ले आए छावनी। बस दो महीना बाद नाथ खिलाओ तो। बदतमीज है। दो महीने बाद बच्चा पैदा होता है। हमारा छगड़िया तीन महीने में बच्चा दी है। अरे ये छगड़ी है रे। ठीक है बेटा, लेकिन इसे समझा देना यहाँ पर अच्छी तरह से रहे। माला एक बात है, तुम्हें मेरी माँ की पूरी सेवा करना है। हाथ पैर भी दबाना पड़ेगा और रोटी भी गरम गरम बना के खिलाना पड़ेगा। सुनो, तुम दोनों सही तरीके से रहना और मैं जा रहा हूँ चाचा जी का पता लगाने। माँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जाओ भैया, जाओ। बहू चलो, बहू खाना बनाओ। जैसे हमने कहना ही लागे। मैं पहुंचा उस खड़हर के पास, ना तो हाँ चिराग है ना जिंद है ना गोपी का पता चला। गोपी के पास मेरी अंगूठी थी, लगता है रतन देव की मदद पाकर के वहां से माल खजाना लेकर के जा चुका है। मैं भी जादू के बल से पता करता हूं कि आजकल गोपी कहां रहता है। ओ रतन देव ने उसकी मदद किया, माल खजाना लेकर के उसने नया रतन देव नगर बसा लिया। उसके पास चिराग और अंगूठी दोनों हो चुकी है। आ रहा हूं रतन देव नगर, चिराग बेचने वाला बनकर के नए चिराग से पुराना चिराग बदलने का पैसा बना करके चलता हूं। उस चिराग को हासिल करता हूं, उसके बाद अपनी अंगूठी हासिल करता हूं। पुराने चिराग बदल डालो। इधर आ, तुमने कुछ सुना? हाँ, क्यों कहता है? चलो गन्ना छोले। गन्ना छोले बता रहा। वो कह रहा है पुराने चिराग से नया चिराग ले लो। तो यस करो, तू अपन चिराग न बदलो, अपन चिमनी बदलो। चिराग और चिमनी एक ही बात है? नहीं, चिमनी छोट हुआ था और चिराग बड़ा हुआ था। नए चिराग से पुराने चिराग बदलना है। हाइड्रोसील का प्रश्न करो। अरे ये बर्मा का अस्पताल है। चिराग बदलने वाले हैं। चिराग बेचते हैं, नया बेचते हैं, खरीदते हैं, पुराने को बदल देते हैं। हाँ? नहीं तो भैया एक देबो कि दो देबो? एक के बदले एक। एक के बदले एक? जी हाँ। मेरे घर एक के बदले एक, तो एक के बदले एक। हाँ, एक के बदले एक। सुन पहले, जो मेरी माँ चिराग रखा है वो बहुत पुराना है, उसको लाती हूँ बदल के नया ले लेती हूँ। उसकी लेके आती हूँ चिराग, मुझे नया देना। ठीक है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आप, तेरी शादी है क्या? दूल्हा उल्हा बना है? तेरी शादी है क्या? शादी नहीं, मेरी तेरा ही है। लाइए मुझे नवा दीजिए पहले। ये देखिए, हरा हरा है, देख पहले। रंगीन गंदा है, गंदा है। ये लेडी फेल। ये हरा है तो लाल में छुप जाएगा। हाँ, अभिषेक जलाना, बिल्कुल सफेद रोशनी देगा ये। ठीक है ठीक है। जाना है लेडी आई, लेडी लेडीज नहीं, एलईडी। हाँ, और पूरे गांव में बता देना कि एक चिराग बेचने वाला बदलने वाला आया है। ठीक ठीक, मैं चला। चल चलते हैं, जलाते हैं इसको। संत
तू डाकू बन गया है। हाँ। और क्यों नहीं करता? तुझे तो मैंने कैद खाने के अंदर बंद कर दिया था, यहाँ कैसे? मारने वाले से बचाने वाले का नाम पास। बहन मारा। भैया तुम यार, तू यहाँ कैसे आई? भैया मैं तो बगीचे में घूमने के लिए आई थी, वहाँ पर मुझे गोपी मिला। हाँ, तो गोपी के साथ मैं यहाँ चली आई। लेकिन ये बताओ गोपी है कहाँ? घर पे। आओ चलो हमें मिलो। आइए चल मिला जल्दी। ये रहा असली जिन्नादी चिराग। इसे जलाता हूँ, इसे जलाता हूँ, फिर जिंद प्रकट होगा, उसके बाद रतन देव से मिलने की कोशिश करूंगा। कहो मेरे आका, कहो इस गुलाम को क्यों याद किया? जिंदबादशाह, तुम ये बताओ कि आजकल गोपी कहाँ रह रहा है? गोपी? जी हाँ मेरे आका, गोपी जिंदा है। जिंदा है? जी हाँ। अच्छा, गोपी जिंदा है और अपने चाचा को ढूंढने इसी रास्ते से आ रहा है। आ रहा है? जी हाँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी फिर तुम्हें याद करूंगा। गोपी, तुम अगर इसी रास्ते से आ रहे हो तो मैं इसी रास्ते में बैठ करके तुम्हारा इंतजार करता हूं। ठीक है मैं इसी जंगल के रास्ते से अपने चाचा जी का पता लगाने जा रहा हूं। गोपी, मुझे पहचान गया होगा, मेरी अंगूठी की बदौलत तू रतनदेव नगर का राजा बना बैठा है। मेरी अंगूठी मेरे हवाले कर दे। हरामजादे, मुझे उस तहखाने के बीच में छोड़कर चला आया था, तू सोचा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन देख आज गोपी तेरे सामने खड़ा है, तेरी मौत बनकर। ठहर जा, तेरे पास मेरी अंगूठी है? दे दे अंगूठी हमारी। या भगवान, लगता है मेरी जान नहीं बचेगी, मुझे रतन देव को बुलाना ही होगा। रिंग 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 चामुंडा दिव्याय नमः। ओ मेरे मालिक रतन देव, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे पीछे जादूगर भूतनाथ पड़ा है, पहले उस हरामजादे को ठिकाने लगाओ। ठीक है, चलो। गया, भाग गया साला। ये साले दो दो हैं, अब मुझे चिराग चलाना पड़ेगा। कहो कहो मेरे आका, कहो इस गुलाम को क्यों याद किया? जिंदबादशाह, मेरे पीछे रतन देव लगा हुआ है,
उसके पास मेरी अंगूठी है, तुम उसे मार कर मेरी अंगूठी मुझे हासिल कराओ। ऐसी आज्ञा मेरे अंगूठी इधर है। जिसके पास अंगूठी रहेगी मैं उसी का गुलाम रहूंगा। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए हुकुम क्या है? इस हरामजादे गोपी का काम तमाम कर दो। जय श्री आज्ञा। ठीक है रतन देव, तो हो मेरे मालिक, वो भाग गया तो भाग जाने दो। अब तुम सब जा सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं फिर तुम्हें बुला लूंगा। अब मेरे पास अंगूठी व चिराग दोनों है, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह बन जाऊंगा। चलता हूँ अंगूठी और चिराग के बल पर बहादुरगढ़ रियासत में महाराज बहादुर सिंह को मार करके बहादुरगढ़ व सुजानगढ़, क्योंकि वहां भी कोई नहीं है, दोनों रियासत का मैं महाराज कहलाऊंगा। या भगवान, अगर आज मैं यहाँ पे छुप नहीं जाता तो हराम ज्यादा हमारी जान ले लेता है। हराम ज्यादा जादूगर, तेरे पास अगर चिराग है तो मेरे भी पास एक चिराग है। चलता हूं उस चिराग के जरिए जिंद को बुलाऊंगा, उसके बाद में तुम्हारा बताऊंगा। अरे बेटा, ये कौन है? ये हमारे भैया संजय हैं, और वो चाचा जी है, ये चाची जी। करतार, करतार कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी याद में कितना तड़प रही थी। भाभी माँ, समय हालात ने हमें जुदा कर दिया था, आज हम फिर मिल गए। लेकिन ये बताओ कहाँ है मेरा मुन्ना गोपी, कहाँ है? तू भी कौन आ रहा है भाई? माँ, पहले ये बताओ ये सब गोली बंदूक वाले कौन है? बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी, ये तुम्हारे मामा। क्या चाचा जी? चाचा, चाचा जी, मैंने आपको बहुत ढूंढा चाचा जी। मुन्ना, रोने के दिन खत्म है, देख चाचा मिल गया। लेकिन ये बता, इतना घबराया क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? बोल। माँ, ये बताओ जो हमने चिराग दिया वो चिराग कहाँ है? माँ, उसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। रखा हुआ है बेटा, रखा हुआ है। माँ, उस चिराग को जल्द से जल्द मंगाओ। बहू, वो चिराग लिया जूता खेलो। अरे भाई गोपी, ये बताओ यार, अब तो सुबह हो गया, अब चिराग का क्या काम है? मामा जी, वो कोई ऐसा चिराग नहीं है, अब ही बताता हूँ, आने दो। अभी बताते हो? अरे ये नहीं पगली, जो माँ, जो पुराना वाला एक चिराग था अपने पास, वो कहाँ है? अरे बहू, हाँ माँ जी, जो पुराना चिराग था ये तो नया चिराग है। माँ जी, एक आया था बेचने वाला चिराग, वो कह रहा था पुराना चिराग दे दो, नया चिराग ले लो। तो हमने सोचा वो पुराना हो गया है,
मैंने उससे बदल के नया ले लिया। तूने मेरा बना बनाया हुआ खेल खराब कर दिया। आज मैं तुझे आखिर तू क्यों मार रहा है? इसने क्या गलत काम किया? पुराना चिराग दे दिया, नया चिराग ले लिया, तो क्या किया? मामा जी हाँ, हराम जादी मुझे घूर घूर कर देख रही है। चिराग पुराना हो गया तो उसे बदल दिया, और अगर एक दिन मैं भी पुराना हो जाऊंगा क्या मुझे भी? अरे तुम उस चिराग के पीछे क्यों परेशान हो गोपी? मामा जी हाँ, वो चिराग में वो खूबी है हाँ, उसको जलाने से जिंद आता है। हाँ बाबा जी। ओ, वही तो नहीं जो खूनी महल के पास मुझे मिला था? हाँ भैया, वो दिन मुझे भी मिला था। तुझे मिला था? उसी की दर्द मेरी इज्जत बची भैया। हाँ यार, अरे वो दिन मुझे भी मिला था। क्या सबको मिला था? हाँ। अरे मामा जी वो चाचा जी हाँ। हम तो उसके घर गए थे। उसके घर क्या करने गए थे? वो चिराग लाने। चिराग लाने? और इस हरामजादी ने उसे बदल कर मेरा बना बनाया। और वो चिराग बदलने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है, वो हराम ज्यादा जादूगर ही हो सकता है। जादूगर? हाँ मामा जी, और वो कह रहा था कि मेरे पास चिराग है और अंगूठी भी है, मैं इसी के जरिए रियासत बहादुरगढ़ जाऊंगा और बहादुरगढ़ को बहादुर सिंह को मारकर वहां का राजा बनूंगा। नहीं नहीं मुन्ना, बहादुर सिंह को तो मैं मारूंगा, क्योंकि उसने मेरी भाभी माँ का सुहाग उजाड़ा है। आप लोग यहीं पर ऐसे बड़बड़ाते रहेंगे तो वहां काम हो जाएगा। सोते में कैद करने वाला तू कौन शख्स है जो मुझे कैद किया है? तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? अब तुम्हारे राज व ताज का हकदार जादूगर भूतनाथ। क्या नहीं देखा? नम भूतनाथ है और तू एक जादूगर है। हाँ, अब हम तुझे ले चलते हैं तेरे किले के पास और किले के बाहर तेरा खून कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ के राजा। जादूगर के बच्चे, तू मुझे मारकर बहादुरगढ़ का महाराज बनना चाहता है, लेकिन कुत्ते पीछे मुड़ कर देख, मौत तेरे पीछे खड़ी हुई है, तू मुझे नहीं मार सकता है। कहाँ है? कौन है तू? पीछे और पीछे, ये एक जादूगर है, अपना नाम भूतनाथ बतला रहा है। ये जादूगर है, अपना नाम जादूगर भूतनाथ बताता है। ए जादूगर चले इधर। तू जादूगर है, तेरा नाम भूतनाथ है, क्यों? तो जादूगर है तो तेरे पास कुछ ना कुछ जादू वाला सामान जरूर होगा। हम तुम्हारी झोली की तलाशी लूंगा बेटा। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? जब कुछ नहीं है तो झोली को लेकर क्यों इधर उधर घूम रहे हो? कुछ खाने पीने की चीजें हैं बस। देखता हूँ खाने पीने की चीज तुम्हारे झोले में क्या है। क्या मिला झोली के अंदर? ये तो चिराग है। चिराग? इसमें मिट्टी का तेल होगा। इस चिराग को जलाइए और इसी की लौ से जादूगर के बच्चे को समाप्त कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसे मत जलाइएगा, नहीं तो एक भयानक तूफान आ जाएगा। इसे जलाने से तूफान आ जाएगा? हाँ, हाँ।
ठीक है आने दो, मैं देखूंगा वो कैसा तूफान है। ये चिराग तेरे पास था तो तेरे पास माचिस होगा, निकाल माचिस। माचिस निकाल, निकाल माचिस। आओ सुन मेरी बात, लो लो मैं चुप, चिराग मैं जलाऊंगा और चिराग के लो सब तेरे बदन में आग लगाऊंगा, निकाल माचिस। अब चिराग जलने जा रहा है, चिराग जला करके धोखा खा जाओगे, एक बहुत बड़ा जिंद प्रकट हो जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। पीछे जिंद हम लोगों को नहीं खा, जब यहाँ पर आएगा तो मैं चिराग बुझा दूंगा। अल्लाह समझदार लगता है ये तो। चिराग जल गया, अब तेरी बदन जल गया। कहो कहो मेरे आका, कहो इस गुलाम को क्यों याद किया? बोलो। कहो मेरे आका, कहो मुझे क्यों बुलाया? दोनों को कैद करो। मैं तुझसे नहीं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तो अपने आका से। बोलो बोलो मेरे आका, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म? आइए आइए। मुझे आका क्यों कह रहे हो? आका इसलिए कह रहा हूं, ये जो चिराग जल रहा है देख रहे हो, ये चिराग जिसके पास रहेगा मैं उसी का गुलाम बन के रहूंगा। पकड़ो इस जादूगर को, पकड़ो जादूगर को, ले जाओ, डाल दो जेल के अंदर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो सरफराश, ये तो बहुत बड़ा कीमती चिराग है, बड़ा कीमती चिराग है। दो सरफराश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, ये चिराग मुझे दे दो, वक्त आएगा तो चिराग हमें और तुम्हें दोनों का सार्थक बनेगा। ये चिराग चाहते हो? हाँ। उससे चिराग सब मुझे कोई जरूरत नहीं, क्यों? ये तलवार मुझे दो और चिराग लो। लो दोस्त, चिराग तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा। किसको किसको कह रहे हम? कौन सरप्राइज? इसका मतलब हमने मेरे साथ तू चाल किया, अब तू चिराग लेकर नहीं जा सकता। कुत्ते आ रहा हूं। महाराज के हाथ में हथकड़ी लगाओ, लगाओ हथकड़ी, लगाओ हथकड़ी। हाँ लो जाओ, डाल दो जेल के अंदर। वाह वाह मेरी किस्मत, वाह मेरी नसीब। इसी को कहा गया है जिन्नादी चिराग। ये चिराग जलाने सब यही है जिन जिसकी बड़ी बड़ी नाखूने हैं। चिराग मेरे पास रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आओ हवारी का फाटक।